मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स के क्लासेस में। इस क्लासेस में अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का चल रहा है, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस में हम लोग सब्सटीट्यूशंस में है, और सब्सटीट्यूशंस का भी हम लोग सेकेंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, उन चीज़ों को समझा। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 9 sin² x का इंटीग्रेट करना है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था लास्ट क्लासेस में भी हमने बताया था आपको कि आप पूरे एक्सप्रेशन में ये ऑब्जर्व कीजिए। अगर सिंपल वे में आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सब्सटीट्यूशंस में, उसका भी हमने क्लिक बताया था आपको कि सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में किसी ऐसे चीज़ को लीड करें जिसका डिफरेंशिएशन अगर एक्सप्रेशन में अवेलेबल है आपके पास, जैसे कॉस का साइन भी है, साइन का कॉस भी है, तो आप इसको लीड करके फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वे में जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, जो ट्राई 70% ये होता है कि डिनोमिनेटर के टर्म्स को हम लेट करें, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी अवेलेबल है इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में और इसका एक्सप्रेशन न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को लेकर चलते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा सिंप्लीफाई हो जाए और क्वेश्चंस जो है वो इजी हो जाए, शॉर्ट टर्म्स से मैम इसको कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ जो लेट करेंगे जेड इजकल टू साइन एक्स, सो डी जेड अपॉन डी एक्स इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो यहाँ से जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वो डी एक्स की आएगी डी जेड अपॉन कॉस एक्स। फाइनल हम लोग अगेन इंटीग्रेशंस में आ जाते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 1 प्लस 9 जेड स्क्वायर, और डी जेड डी एक्स की जगह पे ये वैल्यूज का यूज़ करते हैं। सो फुल एक्सप्रेशन अभी हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से एल्जेब्रिक टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर इस स्टेप में जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि हमें यहाँ पर 9 जो है वो कॉमन लेना चाहिए, डी जेड अपॉन 9 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा 1/9 प्लस जेड स्क्वायर आया। सो आई इज इक्वल टू 1/9 जो आप आउटसाइड लेंगे इंटीग्रेशंस डी जेड अपॉन 1/3 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, 1/a ए की जगह पे आपका 1/3 है इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह जेड है, ए की जगह पे 1/3 है। इसी टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू टैन इनवर्स 3z, 3 3 9, सो आई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3, और जेड जो हमने लेट किया तो वो जेड हम यहाँ पर पुट अप कर लेंगे साइन एक्स। फाइनल सी। तो इस वे में ये जो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से काफ़ी सिंपल वे में हमारा ये हो गया, और ऑब्जर्व किया कि हमने यस इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या लेट करना चाहिए।